नमस्कार, मैं हूँ केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ती है खबरों की ओर। रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाने का मामला, जहां डायल 100 पर मदद की गुहार लगाने वाली महिला को आरक्षक राजपाल सिंह राजपूत द्वारा गालियों के साथ सम्मान दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला सुल्तानपुर वार्ड नंबर 15 दुनाई की रहने वाली है, जिसका ऑडियो वायरल हो गया। वही जब इसकी जानकारी रायसेन SP विकास अहलवाल को मिली, तो SP सहवाग द्वारा तत्कालीन आरक्षक राजपाल सिंह राजपूत यानी कि राजा को लाइन अटैच कर दिया गया। वही SP सहवाग का कहना है कि आगे की जांच करके विभागीय कार्यवाही की जाएगी। हेलो, 100 डायल कर रहा हूँ, बात क्यों नहीं कर रहा है? हाँ बोलिए। 100 डायल पे फोन लगाया था जी, क्या हो गया? हेलो हेलो, अरे 100 नंबर थाना सुल्तानपुर से बात कर रहा हूँ। लड़ाई हो रही है यहाँ पे। कहाँ पे? दुनाई पे, वार्ड नंबर 15 दुनाई जी। अब दुनाई गाड़ी तो आ नहीं पाती। अब गाड़ी नहीं आ पाती, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अब भाई आप बताओ हम क्या करें, दुनाई गाड़ी पहुंचती नहीं है, अब पैदल आ नहीं पाएंगे। काम करो ना, मंजू से आ जाओ, हम मंजू से नाव से उतार लेंगे आपको। कैसे उतार लेंगे? नाव है, नाव से उतार लेंगे। अरे नाव वाव में भाई हम नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं बैठ पाते हो? मतलब हमारा कुछ हो जाए? अरे तो रिपोर्ट करो थाने में। रिपोर्ट की है ना 100 नंबर पे, रिपोर्ट भी की थी हमने, रिपोर्ट भी डाली है थाने में। में रिपोर्ट डालती है, 100 नंबर पे रिपोर्ट नहीं डालती। नहीं, थाने में भी रिपोर्ट डाली थी दिन में। हाँ, फिर सुखराम की ने रिपोर्ट डाली थी। कब डाली थी? दोपहर में डाली थी। तो उसकी कार्रवाई होगी, अब एकदम थोड़ी हो जाएगी कार्रवाई। ठीक है, थाने वाले कार्रवाई करेंगे उसकी। कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तो लड़ाई हो रही है, हमको जरूरत है। तो आप कहीं तो से आओ, कैसे आओ, वो हमको नहीं पता। ठीक है, हेलो, कहाँ के दुनाए आना है? आप कहाँ आ गए अभी? अरे तू दिया तो होता, कहाँ के दुनाए आना है? क्या, कौन से दुनाए आना है? पहले तो आप बोलो तमीज से, ठीक है? अरे तेरी तमीज वमीज की, तू सुन मेरी बात। हाँ, कहाँ के दुनाए आना है जो बता तू। कौन से दुनाई? बहू है, लेडीज। हेलो, बड़ी दुनाई? बड़ी दुनाई आना है ना? हाँ जी। हाँ, पहले तुम ये यहाँ आओ, फिर बताएंगे तुम। हाँ हम बता देना, आ रहा है भाई, आ रहा है तेरे घर पे। हाँ, ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।